नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में, जो दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और 2019 में किसको दिया गया, उन सभी के बारे में। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास में जो घंटे का निशान बना है उसको भी ज़ोर से दबा दीजिए ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सेवी नानाजी देशमुख और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हो, अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया हो। से भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में तथा किसी राजनीतिक, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को असाधारण सेवा हेतु व उच्च लोक सेवा को मान्यता देने के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और प्रख्यात संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस साल जो तीन लोगों को ये सम्मान देने की घोषणा की गई, जिसमें बात करते हैं प्रणब मुखर्जी। तो करीब 5 दशक तक देश की राजनीति में सक्रिय रहे प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। हालांकि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, इसलिए वे इस पद पर आसीन होने वाले 12वें व्यक्ति हैं। यानी व्यक्तित्व रूप से देखें तो 12वें हैं और वैसे क्रम से देखें तो ये 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वह इस पद पर 25 जुलाई 2017 तक रहे। 1984 में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरे बात करें नानाजी देशमुख की, तो 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली में जन्मे नानाजी देशमुख मुख्य रूप से समाज सेवी रहे। 1980 में सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना करके समाज सेवा से जुड़े रहे। 1999 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और इसी साल समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख का निधन 27 फरवरी 2010 को 95 वर्ष की उम्र में चित्रकूट में हुआ था। तीसरे जो व्यक्ति थे वो हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका एम्स गायक एवं संगीतकार होने के साथ एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक, असम की संस्कृति तथा संगीत के अच्छे जानकार थे। उनका निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ। उन्हें दक्षिणी एशिया के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता था। अपनी मूल भाषा असमी के अलावा भूपेन हजारिका ने हिंदी, बांग्ला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गए। उन्हें पारंपरिक असमिया संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। हजारिका को पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये तो थे 2019 में जिनको भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है, उनकी जीवन चरित्र के बारे में कुछ लाइनें। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब, एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।